स्टूडेंट्स का रुझान कम हो गया है, दे आर नॉट जॉइनिंग सीए। सो आपके लिए प्रेशर था व्हेन यू वर डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी? सर ये पेपर में तो मैंने घर आया खाना खाने के लिए मुंह खुला खुला ही रह गया। देन हाउ दीज बिगिनर्स शुड बिगिन देयर जर्नी इन स्टॉक मार्केट्स? स्टॉक मार्केट के बेसिक दो नियम है जो मैंने समझे हैं। डेली ट्रेडिंग, जो इंट्राडे ट्रेडिंग भी लोग बोलते हैं, कैन स्टूडेंट्स हैव देयर करियर इनटू इट? दैट्स सुसाइडल। 800 रुपए का पोर्टफोलियो, इट वेंट टू 60 रुपीस। ओह माय गॉड। EY में CA एना का जो केस हुआ, राइट, आपको क्या लगता है इतना प्रेशर होता है कि यू गो फॉर कमिटिंग सुसाइड? बट सर 1 लाख रुपए पर मंथ वाला अगर बंदा हो तो वो फिर कार कौन सी ले? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद ना हर कोई ये समझता है कि ये सर्व संपन्न ज्ञानी आदमी है, इसको सब आता है। झंडू बाबे काम एक काम। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इफ मार्केट क्रैशेस फ्रॉम हियर? व्हाट इज योर स्ट्रेटजी इन मार्केट क्रैश? वेलकम टू माय न्यू शो सीए निखिल टॉक्स। और इस शो के पहले गेस्ट मेरे मेंटर सीए सार्थक जैन सर है, और यहाँ पर हमने काफी मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी बातें करी है, साथ ही साथ वर्क प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए उसके ऊपर बात करी है। जहाँ EY में जो सीए एना का सुसाइडल केस था, जो बहुत सैडनिंग इंसिडेंट था, उसके ऊपर भी हमने बात करी है। और अगर मार्केट क्रैश हो गया यहाँ से तो क्या करना चाहिए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस भी बताए हैं। वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन, आई होप दिस कॉन्वर्सेशन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, वैल्यू एडिशन जरूर होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। सीए सार्थक जैन सर, कैसे हैं आप सर? वेरी गुड, थैंक यू सो मच निखिल फॉर इनवाइटिंग, एंड इनफैक्ट कैसे हो आप? सीए निखिल टॉक्स, वाओ सर। एक्चुअली इट इज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी बिकॉज मैंने अपना सीए जर्नी आपके साथ चालू किया है, एंड दिस इज माय फर्स्ट एपिसोड ऑन सीए निखिल टॉक्स। सर इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड फीलिंग बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माय स्टडीज आई स्टार्टेड विद फास्ट विद यू एज माय मेंटर, सो इट इज वेरी वेरी गुड फीलिंग फॉर मी, आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली। स्टूडेंट्स लाइक यू आर नेवर फॉरगेटन। सर इट्स बीन 20 इयर्स, मोर देन 20 इयर्स यू हैव बीन टीचिंग, कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? आई मीन इट्स अमेजिंग, आपको ज्ञान बांटने मिल रहा है, इससे अच्छा क्या चाहिए। So I'm 42, 50% of my life was studying. I completed my CA at 21, or bachao 50% I'm trying to teach. So at the age of 21, you became chartered accountant. Yes. Oh, this is quite relatable because at the age of 21 and a half, I was a chartered accountant. And Nikhil, you are a first attempt. Yeah. First attempt. Padha kahan se tha, sir? Ye bhi better kar jaate hain. But sir, there is a very interesting question nowadays which comes in the mind of lot of tutors as well. Ki CA mein students ka rujhan kam ho gaya hai, they are not joining CA. As per you, what is the reason? I mean, that's true. I'm not saying not true. But the reason primarily is ki bahut sare dusre courses available ho gaye. The students go to law, economics, foreign education. Bahut sari streams aa gayi jo pehle nahi hoti thi. CA predominantly was the only choice for a serious commerce student. Hmm. तो बिकॉज ऑफ दैट, एंड सेकेंड थोड़ा सा परसीव्ड टफ कोर्स है, पासिंग परसेंटेज कम है, बट अभी 25% ऑड सिलेबस कम हो गया है, तो इट बिकम्स कंपैरेटिवली मच मच इजियर देन व्हाट इट वाज अर्लियर। तो ये परसेप्शन चेंज होने में 2-3 साल लगेंगे, एंड आई एम श्योर कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग सीए वुड बी वेरी लार्ज बिकॉज कोर्स कंटेंट बहुत सॉलिड है। बट सर व्हाट आई हैव सीन, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बिकॉज आई मीट स्टूडेंट्स एवरी डे, सो व्हेन आई टीच देम और व्हेन आई एम हैविंग अ टॉक विद देम, तो उनका एक रुझान स्टॉक मार्केट्स को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया है। And they believe that in stock markets, आजकल स्टॉक मार्केट का दूसरा नाम ही क्विक मनी हो गया है। सो व्हाट डू यू फील, दैट आर दे वेरी मच इंटरेस्टेड इन क्विक मनी? दैट्स व्हाई, बिकॉज़ सी पर्सनली आई यूज्ड टू लव टैक्सेशन, इवन आई लव टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड स्टॉक मार्केट इज माय फोर्टे, बट व्हेन आई सी स्टूडेंट्स आर रनिंग टुवर्ड्स दैट क्विक मनी, व्हाट डू यू फील, आर दे रनिंग ऑन द राइट डायरेक्शन क्विक मनी, और दे शुड गो फॉर लॉन्ग टर्म और समथिंग? आई मीन सर, वो DDLJ के शाहरुख खान की वो बात याद आती है कि दो रास्ते होते हैं किसी भी चीज को पाने के, एक छोटा शॉर्टकट और एक लंबा रास्ता, जो गलत नहीं होता है सही होता है, बट मंजिल में देरी से पहुंचते हैं। तो ऑब्वियसली लॉन्ग वे इज ऑलवेज द करेक्ट वे टू फॉलो। इजी मनी डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रीजन है बिकॉज अल्टीमेटली 90% जनता पढ़ती क्यों है, पैसा कमाने के लिए। अब पैसा ही मिल गया तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इन सेंस में आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज द यू नो राइट थिंग और रॉन्ग थिंग टू डू, बट प्योरली दैट इजी मनी इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर। सो डू यू ऑल्सो इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स? यस आई डू। सो व्हाट्स योर विजन, लाइक यू ऑल्सो फोकस ऑन क्विक मनी और योर विजन इज लॉन्ग टर्म? आई मीन सर, अब क्या है वो उम्र क्विक मनी वाली, आई मीन
mean, I think we started, or everybody possibly started in stock market with tips. अंदर की खबर ये एकदम से ऊपर जाएगा. तो it started with quick money mindset. फिर जब बहुत सारा पैसा चले गया stock market में, then we by choice or by not having any options, we became long term investors. And वही matter गया. So that reminds me of one of the most important question, जो मेरे को इस podcast में cover भी करना था आपसे. बहुत सारे students, in fact बहुत सारे लोग मेरे को contact करते हैं इस बात के लिए कि सर, there are a lot of different channels on WhatsApp or Telegram or even on Instagram. They give calls and they give calls on a daily basis. So, उसमें ये लोग normally क्या करते हैं? At times they give calls. There are two kind of setups which are going on. Number one, calls दे रहे हैं, stop loss दे देते हैं, targets दे देते हैं. Hit हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो जय श्री राम. उसके अलावा there is one more community which they are actually creating on the grounds कि आप तो हमें पैसा दे दो and वो पैसा दे दो, हम आपके behalf पर invest करेंगे और वो invest करने के बाद में आपको returns देंगे, हम आपसे कोई charge नहीं लेंगे. What is your call on that? Because ये बहुत सारे लोग उसमें फंसते जा रहे हैं. That's suicidal मेरे हिसाब से. मतलब there's nothing more to it. Unless and until somebody professionally is managing your funds, अगर आप ऐसी कोई भी tips पे जा रहे हो, purely suicidal है. They are only trying to make money as a broker. क्योंकि आप जितना इन्वेस्ट करोगे, ट्रेड करोगे, दे विल स्टार्ट अर्निंग कमीशन आउट ऑफ इट. बट अपार्ट फ्रॉम इट, दिस इज अ ट्रैप जिससे आपको बहुत 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 दूर रहना चाहिए. बिकॉज हम लोग स्टूडेंट से कनेक्टेड हैं, तो आई नो सो मेनी सेट ऑफ पीपल हु हैव एक्चुअली रूइंड देयर लाइफ. दे आर इन अ बर्डन ऑफ डेट. इनके ऊपर कर्जा है बहुत सारा. और ऐसा कर्जा है कि इनको अपने कोर्सेज, पढ़ाई सब छोड़ के जॉब करना पड़ रहा है. ये भाग रहे हैं, शहर बदल रहे हैं. ऐसे तक सिनेरियोज और केसेस है. इंदौर में पर्टिकुलरली बहुत बड़ा, इनफैक्ट देयर वर लॉट ऑफ कंपनीज वर डूइंग स्टॉक रिसर्च टिप्स और ये बिजनेस करती थी. सेबी की बहुत बड़ी रेट पड़ी और यहाँ पे देयर वर 300 प्लस यूनिट्स जो इस तरह की टिप्स दे रहे थे. एंड सेबी ने उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए. बिकॉज वहां के जो लोग काम करते हैं वो खुद ही कहते हैं कि भाई हम जो कर रहे हैं, हमें लग रहा है हम गलत कर रहे हैं. इवन द एम्प्लॉइज आर सेइंग दैट, राइट? सो ऑब्वियसली वो गलत है, आपको नहीं करना चाहिए. देन हाउ दीस बिगिनर्स शुड बिगिन देयर जर्नी इन स्टॉक मार्केट्स? नाउ नॉर्मली इफ दे वांट टू इन्वेस्ट बाय देयर ओन, व्हाट शुड दे डू? सो आई टेल आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स हू हैव शेयर्ड विद मी. बट आई मे नॉट बी एन एक्सपर्ट इन द स्टॉक मार्केट्स, बट जितना मुझे समझ में आता है, आई मीन यू शुड एक्सपीरियंस इट. आपको सब करना चाहिए, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, आई मीन एक्सपीरियंस. बट एक इंडिफरेंस पॉइंट जो होता है ना कि यार इतना पैसा मेरा चले गया, प्लस माइनस हो भी गया, तो मुझे मैटर नहीं करता. यू शुड स्टार्ट एंड ग्रेजुअली बिल्ड ओवर इट. बट मुझे एक याद आती है, बड़ी अच्छी सी लाइन है, चार्ली मुंगेर, आपने सुना होगा. ही सेड दैट वॉरेन बफेट और हम साथ में मिलकर हमने ये कंपनी रन करी. सो वी हैड वन प्रिंसिपल इन माइंड दैट we will never even let our one night sleep go for a $1 million gain. So I think that really hits ki ek short term paisa banane ke liye aap apni kabiliyat se ya apni you keh lijiye pocket se overdo karke kuch karna cha rahe ho, aapko avoid karna chahiye. But sir, don't you feel, jo meko aisa lagta hai, because if someone really wants to invest and they don't have that kind of mindset, they don't have the knowledge about that, don't you feel they should go for mutual funds then? Absolutely. I mean, स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर तो आज की तारीख में आई मेजॉरिटी पीपल हैव इट. एंड अगर आपको नहीं समझ में आता है, आपके पास टाइम नहीं है, म्यूचुअल फंड इज अ बेटर वे टू डू इट, नो डाउट. बट सर, एज ऑफ नाउ, डू यू फील दैट डेली ट्रेडिंग, जो इंट्राडे ट्रेडिंग भी लोग बोलते हैं, कैन स्टूडेंट्स हैव देयर करियर इनटू इट? कि नहीं, हमें तो इंट्राडे का हम कर लेंगे. स्विंग ट्रेडिंग तो फिर भी एक हफ्ता चला लेते हैं. बट इंट्राडे में बहुत लोग ऐसा कोर्सेज भी रन करते हैं, दे मेक श्योर कि दैट स्टूडेंट्स लर्न लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग्स एंड then they have a vision ki nahi hum aapko daily itna paisa kamwa ke de denge. What is your view on that? Because there are a lot of students who are planning to go for this kind of course and they have actually registered also. I don't know how much money they have made or lost, but what's your call on that? I mean sir, dekho, stock market ke basic do niyam hai jo maine samjhe hai itne sab kuch kar ke, though I am not a very avid investor. One is, aapko hamesha stop loss rakhna hai, to aapko malum hai ki kitna nuksan hone ke baad aapko bahar ho jana chahiye. एंड सेकेंड, चढ़ती हुई गाड़ी में चढ़ना है, चढ़ती हुई गाड़ी में उतर जाना है. तो आपको लगता है कि यार मुझे कोई चीज, क्योंकि ट्रेंड में जा रही है, आप उसमें बैठ रहे हो, आप उसी में अपना प्रॉफिट बुक करके भाग रहे हो, ठीक है. सबके अलग अलग परसेप्शंस होते हैं. कोई इंट्राडे करेगा, कोई स्विंग करेगा. आई मे नॉट बी इन फेवर ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग. आई मे बी टॉकिंग अबाउट मोर ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. सम पीपल मे हैव दैट नोशन कि वो भी सही है, गलत नहीं है. बट ये प्रॉब्लम वहां पर है कि जब आप अपने आप को ओवरसेल कर देते हो इन चीजों में, दैट्स वेयर द इशू इज. एंड नाउडेज पीपल आर एक्चुअली टेकिंग
लीवरेज, मतलब अपने ही स्टॉक के ऊपर दे आर टेकिंग एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम द ब्रोकर. ब्रोकर इज चार्जिंग, एज ऑफ नाउ जो केसेस मेरे सामने आए हैं वो ये है कि ब्रोकर्स ने बोला है कि हम आपके ट्रांजैक्शन पर कोई भी ब्रोकरेज नहीं लेंगे, बट दे आर गिविंग देम एक्स्ट्रा लीवरेज, और वहां पे वो लीवरेज पे दे आर चार्जिंग इंटरेस्ट, सो देयर इनकम इज नाउ इंटरेस्ट. एंड बिकॉज जैसे फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आया, सो वॉट दे ट्राई टू डू, दे ट्राई टू बाय थिंग्स इन इन कैश, एंड दिस इज नॉट एफएनडो, दिस इज कैश. तो वो कैश में उसका 1,00,000 रुपए का पोर्टफोलियो है, 30,000 रुपीज उसको एक्स्ट्रा एक्सपोजर मिल रहा है, वो एक्सपोजर ले लेता है और वो बोलता है 30,000 का मैं क्या खरीद लेता हूँ, आज के आज आईसीआईसीआई बैंक खरीद लेता हूँ. अभी तो थैंकफुली आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट अच्छा आया तो उसके बाद में 3-4% का उसने रैली दे दिया, बट एट टाइम्स आई हैव सीन कि उन्होंने लिया और वहां पे रिजल्ट खराब हो गया. जैसे इंडसइंड बैंक के साथ हुआ, 20% फॉल वॉज देयर इन इंडसइंड बैंक. अब वो वहां पर इंटरेस्ट पे पैसा लेके बैठा हुआ है और यहाँ पे 20% उसका स्टॉक प्राइस और गिर गया, एंड दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर लिमिट कि आप इसको 3-4-5 दिन ही ले सकते हो, ब्याज भी लग गया और 20% का लॉस. सो दिस इज एक्चुअली व्हाट आई फील, इट इज वेरी डेवेस्टेटिंग. बट सर, अ पर्सनल क्वेश्चन हियर, आई वॉन्ट टू नो एंड आई पर्सनली वॉन्ट टू नो दिस, स्टॉक मार्केट में आपका ओवरऑल कैपिटल का कितना एक्सपोजर है? आई मीन आज की तारीख में तो कम है, तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज, पर अभी मैं बहुत ज्यादा इक्विटीज में आई डोंट इन्वेस्ट टू मच. आई डू सम आईपीओज, आई इन्वेस्ट, मेरे जो इन्वेस्टमेंट 5-10 साल से पड़े हुए वो कंटिन्यू रहेंगे जब तक जरूरत नहीं पड़ी, बट अभी तो मैंने ऑफलोड कर दिया बहुत सारा कुछ इक्विटीज है. जब मार्केट हाई पे गया था तब अपने एग्जैक्टली नॉट हाई पर, हाँ, बट आप अगर टाइम पीरियड बोलो तो मे बी 3-6 months अगो ड्यूरिंग दैट पीरियड, यस. अपने पैसा अगर एक्सपोजर निकाल दिया उसमें से, तो अब वो पैसा कहाँ लग रहा है? सर, एक नॉर्मल इन्वेस्टर को अगर रियल एस्टेट समझ में आता है तो वो इन्वेस्ट करता है एफडीज में, करता है गोल्ड या इस तरह की सिक्योरिटी, बिकॉज अभी तो बहुत शाइन है गोल्ड में भी प्रैक्टिकली, या फिर इक्विटीज में करता है. ये कुछ बेसिक एवेन्यूज है इन्वेस्ट करने के, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली आप बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करते हो तो वो करते हो. तो अभी हमारा कैपिटल बिजनेस में जो रीइन्वेस्ट होता है, उसके अलावा हम इन्वेस्ट करते हैं तो वी विल इन्वेस्ट अमंग दीस. तो रियल एस्टेट ऑब्वियसली इज ऑलवेज माय हॉट फेवरेट बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल थिंग, प्लस क्योंकि बहुत अर्ली एज से रियल एस्टेट किया है तो थोड़ा बहुत सीखते समझते तो आता है वो क्या करना है. तो मेरी पहली प्रेफरेंस तो हमेशा रियल एस्टेट होती है. रियल एस्टेट, यस, बिकॉज एज यू मेंशन कि आपका अपने बिजनेस में कैपिटल री इन्वेस्ट किया है, तो दैट आई कैन अंडरस्टैंड. बट सर, एफडीज में आजकल लोग पैसा नहीं डाल रहे हैं. इनफैक्ट जो कासा रेशियो है, दैट इज करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो रेशियो है, वो बैंक्स का गिरते जा रहा है. सो दैट इज एक्चुअली वेरी टफ सिचुएशन फॉर द बैंक्स. आई रेड सम न्यूज और रिपोर्ट कि आज 40-42%, आई मीन देयर इज अ 25% डिक्लाइन इन एफडी. 40-45% लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं जो कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर 55-60% होता था. तो दैट इज गोइंग डाउन फॉर श्योर. ओनली रीजन इज म्यूचुअल फंड्स. सो नाउ दे आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. बोले कहां गया, स्टॉक्स में डाल दो, नहीं तो म्यूचुअल फंड में डाल दो, यहां से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा. जो इनफैक्ट 18,000 निफ्टी से लेके 26,000 जब निफ्टी गई तो म्यूचुअल फंड्स ने भी परफॉर्म तो किया ही होगा. सर, आई हैव अ वेरी पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन हियर. आपकी इनकम उस समय 1,00,000 रुपए पर मंथ थी, साल का आप 12,00,000 रुपए कमाते थे मान लेते हैं. तो आप उसका बाइफरकेशन कैसे करते थे? लाइक आपका घर कितने का होना चाहिए, आपका कार कितने की आपको लेनी चाहिए, और आपके पर्सनल एक्सपेंस कितने होने चाहिए? सो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ, एंड आई थिंक यू नो इन द हाइंडसाइड अब पलट के देख रहे हैं तो आई कैन ऑल्सो जस्टिफाई वो कैसा है. तो मेरे केस में कैसा था, हाउस एंड ऑल, बिकॉज वी वर लिविंग इन द सेम सिटी वेयर पेरेंट्स वर रिटन, वो हमारा रिक्वायरमेंट था नहीं. तो वॉट वी यूज टू डू इज कि बिजनेस में बहुत ज्यादा कैपिटल इनटेक इन्वॉल्वमेंट होता नहीं था, तो वी यूज टू इन्वेस्ट नॉर्मली 10-15% पैसा इक्विटी में डालते थे. राइट, ई एम आई और वो वाला कुछ था नहीं, खर्चे आज सच गाड़ी और ये सब के बहुत ज्यादा हमारे इंटरेस्ट थे नहीं. ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट हम डेफिनेटली करते थे, LIC और इस तरह की चीजें, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा एवेन्यूज होते नहीं थे. तो आप ये कह सकते हो प्रमाणली 50% बैंक में रहता था, 50% या तो री इन्वेस्ट हो जाता था. जो बैंक में रहता था वो इसलिए रहता था कि कहीं रियल एस्टेट की कोई डील मिलती थी तो वो कैश लो वहाँ पर यूज कर लेते थे. बट इफ आई टॉक अबाउट माई फ्रेंड्स जो लोग जॉब में थे आउटसाइड यू नो देव, तो देयर एस्पिरेशन ऑलवेज वॉज कि पहले जो पैसा आ रहा है उसका 15-20% तो वो भी इक्विटी में डालते थे. रिमेनिंग में से आउट ऑफ देयर ओन एक्सपेंसेस खत्म करने के बाद दे यूज टू बिल्ड दैट कैपिटल की एक ई एम आई बन जाए. तो 30,000 रुपीज इफ दे आर सेविंग एवरी मंथ, तो उससे 30,00,000 रुपए की उनकी ई एम आई
सेटिस्फाई हो जाती है, तो अकॉर्डिंगली दे यूज टू थोड़ा कैपिटल ले लिया, थोड़ा इधर उधर से बोरो कर लिया, 50 लाख 1 करोड़ के बीच में उन्होंने अपना फ्लैट या वो ले लिया. But that is when you are sure कि this is the city where you intend to stay. But if you are not sure कि आपका जॉब आपको अलग अलग जगह ले जा रहा है, I think the best thing is कि आपको रियल एस्टेट में घर के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दोगे जॉब चेंज करने की, स्विच करने की. तो when you are sure this is the city, then invest in for your home. तब तक यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन इक्विटीज, बैंक, रियल एस्टेट, आपको समझ आता है. बट सर 1 लाख रुपए पर मंथ वाला अगर बंदा हो तो वो फिर कार कौन सी ले? ये एक्चुअली क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हू कम टू मी एंड आस्क कि सर मेरा इतना इनकम है, मेरे को है ना सपोज 1 लाख रुपए पर मंथ है, एंड दे कम टू मी एंड दे आस्क मी सर मेरे को है ना सीधा फॉर्च्यूनर खरीदनी है. ना फॉर्च्यूनर इज कॉस्टिंग 60 लाख रुपीज ऑन रोड. सो 60 लाख की गाड़ी लेना चाह रहा है, वो 1 लाख रुपए पर मंथ की उसकी इनकम है, तो क्या उसको लेनी चाहिए? आई मीन सर, ये मेरे हिसाब से अगर आप एक बिजनेस करने वाले एक एजुकेशनेट से, एक शिक्षक से पूछोगे, तो भाई सिंपल सी बात है कि एट दिस पर्टिकुलर एज यू शुड डेफिनेटली नॉट इन्वेस्ट इन योर लग्जरीज. ठीक है, लाइफ जीने के लिए आपको पूरी लाइफ ही जीना है, एक पॉइंट नहीं होता है. बट एट दिस स्टेज इन्वेस्टिंग इन सच अ डेड इन्वेस्टमेंट कि आप 60 लाख की गाड़ी ले रहे हो जिसकी अगले दिन कीमत 50 लाख हो जाएगी, 1 साल के बाद 45 लाख हो जाएगी और ग्रेजुअली गिरती जानी है, और फिर आप फॉर्चुनर लेने के बाद अगली फॉर्चुनर से नीचे नहीं ले सकते, तो दैट मीन्स यू आर गेटिंग इन टू दैट विशियस साइकिल ऑफ डेट. तो दैट इज मेरी तरफ से अगर आप बात करोगे तो स्ट्रिक्टली नो नो है. गाड़ी की कीमत इतनी होना चाहिए जितने पैसे आपके घूम भी जाए तो आपको कोई फर्क ना पड़े. उतने रुपए की आपकी गाड़ी होना चाहिए, कि पैसा है नहीं है इट डजंट रियली मैटर्स. अनलेस आपका बिजनेस ऐसा है कि आपको शोकेस करना है कि भैया आप एक लाइफस्टाइल बिजनेस में हो, सो बॉलीवुड सेलिब्रिटी प्रोबेबली अपार्ट फ्रॉम हिज एक्टिंग में आल्सो वांट टू शोकेस दीस थिंग्स, तो फॉर देम डेफिनेटली इट्स एन इन्वेस्टमेंट इन देयर बिजनेस और देमसेल्व्स. सर आई रिमेंबर व्हेन यू वर एट द एज ऑफ 25-30 बिकॉज़ आई वाज स्टडीइंग विद यू, यू वर हैविंग XUV 500, तो मैं समझ रहा हूं कि आपकी इनकम कितनी होगी. सो दिस वाज अ ट्रिक क्वेश्चन सर. क्या होता है कई चीजें बाय एक्सपीरियंस सीख के आते हैं, गलती हमने भी करी है. नहीं नहीं, बट दैट वाज एक्चुअली नॉट द पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन व्हिच आई वांटेड टू आस्क, बट ये एक्चुअली क्वेश्चन में से बहुत लोग पूछते हैं एक्चुअली कि 1 लाख रुपए पर मंथ की मेरी इनकम है, एंड दे टेक दिस एग्जांपल ओनली, 1 लाख रुपए पर मंथ है मेरी फिक्स, ठीक है, उसके बाद में आप मेरे को बताओ मेरे को गाड़ी कितने की लेनी है. मेरा मन होता है तो बलेनो ले ले भाई. दिस इज व्हाट आई फील. बट सर एक चीज है कि अगर 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है वो, तो उसका म्यूचुअल फंड में फिर इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, क्योंकि SIP तो जानी है. Right. अगर अपन बात करें अभी डेटा की, अपन बात करते हैं FIIs ने अभी अक्टूबर मंथ में 2 लाख करोड़ का तो टोटल अपने DIIs के पास पैसा था, 2 लाख करोड़ का. Okay. ये फिगर स्टैब्लिश्ड है, ये न्यूज़पेपर्स में भी कवर हुआ हुआ है. FIIs ने अभी तक अक्टूबर में 1,10,000 करोड़ की या 1 लाख करोड़ की सेलिंग कर ली है. अब इनके पास DIIs के पास बचे 90,000 करोड़ रुपए, ठीक है, और ये आ कहां से रहे, ये हम लोग ही डाल रहे हैं. SIPs हैं. राइट. सो अगर SIP और बढ़ानी चाहिए, SIP 1 लाख रुपए में कितनी होनी चाहिए एज पर यू, बिकॉज अभी तो मार्केट मुझे लगता है थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो इस समय पर क्या बढ़ाना चाहिए वुड बी रियली अ क्वेश्चन. बहुत बड़ा गेन करना है तो बात अलग है. एट दिस स्टेज वेयर द मार्केट इज सो चॉपी, आई हैव माय डाउट्स कि आपको अभी बढ़ाना चाहिए क्या. जो चल रहा है वो चलने दें. हाँ, आई मीन यू शुड होल्ड ऑन, एक क्लियर पिक्चर मिले उसके बाद डिसीजन लेना बेहतर है. क्यों? क्योंकि आपकी साइड इनकम है, कोर बिजनेस नहीं है. जिसका कोर बिजनेस है वो इससे एक्स्ट्रा पैसे बनाने की कोशिश करेगा. राइट. पर साइड बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो आपको रिलैक्स रखे और एक स्ट्रीम देना की टेंशन का कारण बने, आपका मेन बिजनेस खाना शुरू कर दे. तो वो माइंड सेट के साथ यू शुड स्टे इन्वेस्टेड. सर एक और क्वेश्चन था, देयर इज अ फोमो इन द मार्केट. So now we'll come back to the direct trading. So there are a lot of people who know something about stock market. Mm-hmm. थोड़ा बहुत knowledge है उनको, बहुत लोगों ने follow, एक दूसरे को follow करके they get the tips and all. But they always have a FOMO, एक FOMO है, fear of missing out हमेशा. Mm-hmm. कि जब वो खरीदते हैं तो जिस समय खरीदा वहां से price नीचे आ जाता है, फिर अगर कभी कर बेच दिया तो वहां से प्राइस ऊपर हो जाता है. एंड आई बिलीव कि उस समय दे टेक अ बैड डिसीजन. लाइक सपोज अगर मैंने आज एक कोई शेयर है 100 रुपए में खरीदा, वो 80 रुपए हो गया, ठीक है, तो अब पहले तो दिमाग खराब हो जाएगा यार, मेरा 20% नीचे गिर गया. इंडसइंड का ले लो एग्जांपल, तो अगर मैंने उस दिन खरीदा होता वो 20%, तो मेरा पैसा ऐसे ही खत्म हो गया. तो अब मैं यहाँ पर फिर क्या डिसीजन लेता हूँ? एंड प्लस दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ फोमो रिएक्शन. व्हाट डू यू हैव द फीलिंग ऑन दैट? हैव यू एवर हैड दिस फोमो इन योर लाइफ? तो आपने जो बात बोली, मतलब इनफैक्ट निखिल इट हैपेंड, हमारे एक ग्रुप था उसमें एक बंदा था, वो हैविली इन्वेस्ट करता था मार्केट में. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक यू नो 15 years ago. तो हमारा फ्रेंडा एकदम सिंपल था कि वो जो शेयर खरीद रहा है बेच दो, वो जो बेच रहा है वो खरीद लो.
मतलब लक्ष्मी का ऐसा वास था उसके ऊपर की समझ आया दादा। तो ये देखो ये इट्स मोर लाइक यू नो इट विल ऑलवेज गोइंग टू हैपन। आप बेचोगे उसके बाद वो प्राइस ऊपर बढ़ेगी, आपको हमेशा लगेगा कि यार मैंने बेच दिया और प्राइस और ऊपर बढ़ गई। तो आपका थॉटफुल डिसीजन है, आप कभी माइंड नहीं करोगे। प्रॉब्लम जो है ना वो बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आदमी जो पैसे कमाता है वो सबको बताता है मैंने मार्केट में इसमें 300% रिटर्न कमा लिया, पर जो उसके छूटते वो बताता नहीं है। तो माइंडसेट में आपके क्लियर नहीं रहता है कि आप पैसा बना रहे हो या लूज कर रहे हो। आप दिखाते सिर्फ हो कि आप बना रहे हो, बिकॉज यू नो यू डोंट वॉन्ट टू शो योर सेल्फ एज अ लूजर टू अदर्स। तो यू शुड ऑलवेज हैव अ बैलेंस शीट, अ पी एंड एल इन फ्रंट ऑफ यू कि यार वेयर आई एम मेकिंग मनी, वेयर आई एम नॉट, व्हाट इज सेविंग मी, व्हाट इज नॉट, और उसके बेसिस पे आपको बाय नंबर्स डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, आपने पैसा कम बनाया ज्यादा बनाया, दैट्स ओके, यू लर्न out of your mistakes, you can build upon that. So sir, actually this even I have experienced. तो अभी वारी एनर्जीज का IPO लॉन्च हुआ है, तो बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि एक तो पहली चीज मेरे को अलॉट हुआ, सो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मेरे को वारी का अलॉटमेंट मिल गया भाई, मतलब बहुत साल बाद ऐसा कुछ। मंदिर जाते हो तुम बताओ सबको? नहीं मैं मंदिर में भगवान बहुत मानता हूँ, बट भगवान बजाज हाउसिंग फाइनेंस में नहीं माने मेरी। तो वारी का जैसे मेरे को IPO लगा तो मैंने तो शेयर किया क्लियरली कि मेरे को एक लॉट लगा। मैंने एक्चुअली 7-6 अकाउंट से लगाए थे अलग अलग, और एक अकाउंट में लगा एक, तो मैं तो उसमें ही खुश था। तो उसके बाद बहुत लोगों का क्वेश्चन था, सर व्हाट इज योर नेक्स्ट स्ट्रेटजी, व्हाट वी शुड डू इन वारी, जिन जिनको अलॉटमेंट हुआ उन्होंने मेरे से पूछा। तो मेरा तो सिंपल फंडा था कि जिस भाव पे खुलेगा वहां से मैं अराउंड 5-7-10% 15% नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा और छोड़ दूंगा, लग गया नहीं तो कोई बात नहीं। अब हुआ क्या, मैंने 2394 पे स्टॉप लॉस लगाया, वो 2394 को टच कर गया और आधे घंटे के अंदर 2550 पे वापस चले गया। देन आई गॉट लॉट ऑफ कमेंट्स कि डिड यू फील योर स्ट्रेटजी वॉज रॉन्ग, और डिड यू फील कि नहीं आपने गलत कर दिया। हो मजा आया जब दिन का क्लोज होते गया वो 2390 के नीचे ही गया। तो थोड़ा सा मन को सेटिस्फेक्शन मेरे भी आया, बट द पॉइंट वॉज वॉट आई वॉज टेलिंग देम टू माई फॉलोअर्स कि अगर आपने डिसीजन ले लिया IPO के लिए कि मेरा IPO में था विजन, एक विजन होता है सर मैंने IPO लिया, जिस दिन लॉन्च होगा जिस भाव पे होगा मैं निकाल दूंगा, अब वो प्रॉफिट हो या लॉस हो 10 बजे मैं निकाल दूंगा। सेकेंड ओपिनियन होता है कि नहीं मेरे को तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है इस कंपनी में, तो इसको लंबे समय तक मैं होल्ड करूंगा। थर्ड होता है कि आप अपना एक टारगेट बना लो, अब मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद अगर मैं देखूं कि नहीं है तो 2700 रुपए चले गए, 2800 रुपए चले गए, तो फिर तो फोमो हो गया। अब वो चीज को कवर करने के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों का माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि तुमने ये स्टॉक लिया क्यों है। फॉर एग्जाम्पल इफ दे हैव इन्वेस्टेड इन रिलायंस, तो रिलायंस का कभी भी आपको रिटर्न एक साल में डबल पैसा करते हुए नहीं मिलेगा, जैसे IRFC में हो गया, 20 का शेयर 180 पहुंच गया, वो भी एक साल डेढ़ साल के अंदर अंदर, ये हर कंपनी के साथ नहीं होगा। तो यू शुड ऑलवेज हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट व्हेन यू इन्वेस्ट इवन 1 रुपी। तो आपको एक क्लियर होना चाहिए कि इसमें मेरा विजन क्या है, कितना लंबा मैं लेने वाला हूँ, मेरा टारगेट क्या है। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव। नो आई एग्री टू दैट। इनफैक्ट भाई आप 25-30 साल के लड़कों की बात कर रहे थे, तो आपके पास शादी का कोई प्रपोजल आया, आपने शादी कर ली, आपने पक्का कर लिया, उसके 5 दिन बाद बेहतर प्रपोजल आएगा तो आप क्या करोगे? So you're not going to ship, right? तो ये decision made is made. I mean, you stick to it. Or you can make it better. I mean, आपने पैसा कमाया ही है ना ultimately, तो ठीक है, it's always good. So what if? Now this is actually a very interesting question. What if market crashes from here? What do you feel? What people should do? अगर यहाँ से market crash हो गया? क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही है मार्केट में, FIDI का डेटा चल रहा है, ईरान इजराइल वॉर चल रहा है, अभी तो फिर भी शांति हो गई बट कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्रूड ऑयल आज सस्ता हुआ है वरना वो जबरदस्त बढ़े जा रहा था, बिकॉज यू हैव सो एक्सपीरियंस्ड, आपने शायद 2003 में आपका CA कंप्लीट हुआ था, सो I think you must have seen lot of crashes in the market. I have seen, yes. So, what was your strategy in market crash? And second question is, what to do if currently market crashes from here? So, first question is ki aapne pehle aapne kaise deal kiya hai market crash ko? Khuda na khasta aisa kuch ho sabse pehle nahi to comments wo aayenge bole ye inhone hi bola. Nahi nahi sir. So, maine pehla crash dekha tha 2006. I was in ITC. Maine wahan pe job kiya tha to wahan pe kya hai salary aati thi ekdam se capital build hota tha. It was डिसेंट पेइंग जॉब, तो पैसा जो बचता था बहुत सारा सब यार दोस्त इक्विटी में डाल देते थे, खाली बैठे रहते थे कंपनी में, जब काम नहीं होता था तो डिस्कस करके डालते थे, और प्योर टिप बेस्ड ट्रेडिंग चलती थी उस समय। हर कोई दोस्त यार अलग अलग तरह की ट्रिप लेके आता था, बैक फिल्म्स, गैलेक्सी एंटरटेनमेंट, देवर्षा गैस, आप इसको स्टडी करना आप कभी देखोगे तो। उसमें एक ऐसा भी शेयर है जो 50 पैसे से 90 रुपए हो गया है, आज की तारीख में भी रन कर रहा है वो। अच्छा, तो वी यूज टू आई मीन यू नो ये सब चलता था। 2006 आई लेफ्ट ITC, मार्केट तब बढ़िया तेजी में था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, वी वर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, सबको बढ़िया ऐसा लग रहा था आज मैंने इसमें बनाया, एंड देन 2008 के एम सत्यम और वो फियास्को हुआ। मुझे याद है कि उस समय आई लॉस्ट समवेयर अराउंड सम लाख ऑफ रुपीज,
तो 5.6 और समथिंग वाज द अमाउंट व्हिच वाज अ बिग अमाउंट फॉर मी ऑनेस्टली. मैंने डैड को मेरे बोला, बोले पापा कि मैंने ये किया और इतना मेरा नुकसान हो गया, अब मैं कभी मार्केट नहीं करूंगा. मेरे डैड ने एक ही चीज बोली, बोले बहुत सस्ते में छूट गया. तो कैसा है ना, ये साइकिल है. आप अगर रहोगे तो एक ना एक पॉइंट कभी ना कभी तो आएगा कि जब प्रॉफिट बनाने वाले जो मेजर लोग हैं वो पैसा लेके बाहर हो जाएंगे. क्या ये वापस से रिवर्स होता है? 101% होता है. द ओनली क्वेश्चन इज कितने समय में रिवर्स होगा. अब 2008 के बाद रिवर्सल में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा. हो सकता है इस बार वो क्रैश हो तो बहुत क्विकली रिवर्स हो जाए, क्योंकि आप एक थोड़ा सा अपन स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए एक लार्जर पिक्चर देखते हैं. आज की तारीख में इफ यू सी द थ्री मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, द कंट्रीज विच आर इन न्यूज फॉर ऑल द गुड रीजंस वो मेकिंग मनी, इफ यू टॉक अबाउट यूएस, इंडिया, चाइना. अब देखिए मीडियन एज आप देखो इंडिया की क्या है, यू नो, सो वी आर अराउंड 25 to 30, 28, 29 is our median age, 24. Whereas 38, 39 is the number for China and US. So, यहाँ working population बहुत बड़ी है. In fact, हमारी जो working population 24 to 40 वाले belt में, आप समझ लो कि US की total population के पास में उतना बड़ा हमारा number है ये वाला. तो उस sense में India की growth story पे कोई doubt है नहीं, because we have that kind of a population. अब इसी बात है, थोड़ा सा अगर अपन इसको analyze करते हैं कि भाई क्या होगा इससे, इंडिया बहुत आगे बढ़ जाएगा, यूएस नहीं बढ़ेगा क्या? तो आप सोचो कि पड़ोस के घर में 10 बच्चे हैं, मेरे घर में 2 ही बच्चे हैं, पर मेरे पास पैसा बहुत सारा है, तो मैं कोशिश क्या करूंगा कि यार मेरे पास वैसे कुछ बच्चे आ जाए जो मेरे लिए काम करना शुरू करे. विच इज हैपनिंग, यूएस एंड दीस पीपल आर वेलकमिंग इमिग्रेंट्स हु आर केपेबल टू मेक मनी फॉर देम, राइट? एंड विच इज हैपनिंग, यू नो, हम जो ब्रेन ड्रेन की बात करते थे. नाउ व्हाट वी नीड टू डू हियर इन इंडिया इज टू इंश्योर दैट दीस पीपल स्टे हियर. तो हमें सिर्फ वो वहां जाके पैसे कमा रहे हैं, उसका टैक्स का कुछ रेमिटेंस मिल रहा है कुछ समय तक के लिए, वो नहीं चाहिए. वी वॉन्ट दीस पीपल टू स्टे हियर एंड लेट द इकोनॉमी ग्रो. लार्जर पिक्चर में ठीक है, 2-3 साल का प्लस माइनस होगा. इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप पैसा उतना इन्वेस्ट करके रखो कि कभी कम भी हो जाए तो इट रियली डज नॉट अफेक्ट योर ब्रेड एंड बटर, योर कोर बिजनेस. दैट मींस कि आपके हिसाब से भी स्टॉक मार्केट में ओवर एक्सपोज नहीं होना चाहिए. आई वुड से दैट कि यू शुड कीप इन माइंड कि आज की तारीख में ये मेरा लेवल है, और अगर आज मार्केट यहाँ से 20-25% गिर जाता है तो भी क्या मैं अपनी लाइफ सस्टेन कर सकता हूँ? इफ दैट इज द केस देन देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम टू हैव एक्सपोजर. मतलब कहीं पे भी लोड नहीं आना चाहिए, रात को नींद बराबर आए. करेक्ट. आई मीन हाँ, वो बात अपन ने की थी, आई रिपीट दैट, कि मैं एक रात की भी नींद ट्रेड नहीं करूंगा $1 million. चार्ली मुंगर. सो एक्चुअली दोस पीपल आर रोल मॉडल्स, सो ऑटोमेटिकली वो फर्क पड़ जाता है. बट सर, अगर सपोज यहाँ से क्रैश आया मार्केट का, तो आपको क्या लगता है यहाँ से कितना, क्योंकि कोविड का क्रैश सबने देख लिया है. कोविड का क्रैश तो मैंने भी एक्सपीरियंस कर लिया. नाउ दिस इज इफ क्रैश कम्स, आई एम नॉट सेइंग इट विल कम, बट इफ इट कम्स, so this will be my third crash which I have seen, jahan par main as an investor I am invested. So I never trade, I don't like to trade on frequent basis, I like to have an investment for a longer duration. So jab main 2008 mein Lehman Brothers ka tha, I was doing my chartered accountancy, I was in your class only at that time. So jab Lehman Brothers ka case hua, us samay pe mujhe aisa lag raha tha ki gaya paisa. So that was my family money, and at that time I believe ki hum log ke paas jo इक्विटी था, हमने जितना पैसा लगाया था 2002-03 में, वो 100 रुपए का, एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं बता सकता, 100 रुपए का वो बढ़कर हो गया था 800 4-5 साल में. मन ऐसा हो गया था कि अब इसके अलावा और कोई लाइफ ही नहीं है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट वॉज माई फर्स्ट इंस्टिंक्ट टूवर्ड्स स्टॉक मार्केट, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, बींग अ पर्सन ऑफ एनी बैकग्राउंड, योर फर्स्ट, एंड बींग अ मैन ऑल्सो ऑफ द फैमिली ऑल्सो, सो ऑटोमेटिकली योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट शुड बी टूवर्ड्स मनी. दिस इज माई बिलीफ. ठीक है, मतलब बहुत लोगों को ये बुरा भी लग सकता है, बट बात ये है और ये कटु सत्य है. तो मैंने जब देखा वो 100 रुपए से बढ़कर मेरा पोर्टफोलियो 800 रुपए हुआ, मतलब फैमिली का. लीमन ब्रदर्स हुआ, सॉरी, यू वोंट बिलीव, लीमन ब्रदर्स होने के बाद में मेरा वो 800 रुपए का पोर्टफोलियो, इट वेंट टू 60 रुपीस. ओह माय गॉड. मतलब मेरा इफेक्टिवली फैमिली मनी 90% तक वो इरोड हो गया. एंड दैट टाइम बीइंग अ स्टूडेंट, तो ऐसा लग रहा था ठीक है कोई बात नहीं यार, अपन आगे पीछे जाके कमा लेंगे. देन ऑब्वियसली यू ट्राई टू, यू नो, मेक दैट मनी वेरी क्विक. सो इवन आई हैव डन दैट मिस्टेक्स व्हिच आई वांट दैट माय व्यूअर्स, माय फॉलोअर्स शुड नॉट मेक इट. दैट इज कि मैं भी F&O में था. Oh my God. When I was a student, कोई बैकग्राउंड नहीं है मेरे पास. F&O में इन्वेस्टेड था. मेरे साथ हुआ क्या सर, मैंने F&O में ओवरट्रेड किया, एंड यू वोंट बिलीव, आई वाज इन CA फाइनल एट दैट टाइम. मेरा एक हफ्ते बाद पेपर था, एक हफ्ते बाद पेपर है 24th मे, क्योंकि उस समय जून अटेम्प्ट था एक बार बीच में, नहीं 24th अप्रैल मे अटेम्प्ट के लिए. 24th अप्रैल आई रिमेंबर द डेट, आई वॉज हैविंग लॉट्स ऑफ जो फ्यूचर्स के लॉट्स होते हैं, टाटा मोटर्स का था, टेक महिंद्रा का था और निफ्टी का था.
मेरे पास उतना कैपिटल भी नहीं था, मेरे दिमाग में था टाटा मोटर्स का रिजल्ट आया अब तो ये बढ़ेगा। सर रिजल्ट आया बम्पर रिजल्ट, एंड ये यूजुअली होता है सारे इन्वेस्टर्स के साथ, ये प्रॉब्लम है सारे ट्रेडर्स के साथ, ये प्रॉब्लम है रिजल्ट बहुत बम्पर आया है, और रिजल्ट बम्पर आने के बाद सीधा अगले दिन जहां पे मैं उम्मीद कर रहा था 10% वो बढ़ जाएगा, वो 8% नीचे खुला। Wow. 8% वन लॉट, आई स्टिल रिमेंबर एट दैट टाइम 2009-10 की मैं बात कर रहा हूं, उस समय उसका वैल्यू था 3.5, क्योंकि 382 रुपीज का टाटा मोटर्स का एक शेयर था, 1000 शेयर्स का एक लॉट था, 382,000 उसकी वैल्यू थी, मेरे अकाउंट में 100,000 रुपए होना चाहिए था, तो मैं फ्यूचर का वो ट्रांजेक्शन कर सकता था, मैंने कर दिया। अगले दिन वो सीधा खुला 20-22 रुपए नीचे, 22,000 रुपए मेरे अकाउंट से ऐसे ही कट गए, और आप बिलीव नहीं करोगे सारे स्टॉक्स ऐसे गिरे। एंड दैट डे दैट वाज माय फर्स्ट एंड द लास्ट ट्रेड, फर्स्ट तो नहीं बोलूंगा बट कुछ ट्रेड्स मैं ऑलरेडी कर चुका था, बट दैट वाज माय लास्ट डे इन लेन डे इन फ्यूचर्स। सर बस टेक महिंद्रा था, निफ्टी थी, बैंक निफ्टी थी, और टाटा मोटर्स, ये चार कंपनीज के, ये चार लॉट्स थे बस फ्यूचर्स के। मार्केट एकदम से गिरा, और पता है क्यों गिरा? टाटा मोटर्स रिजल्ट्स, बम्पर रिजल्ट्स, बट रिजल्ट्स आने के बाद में उन्होंने एक सिर्फ अपनी कमेंट्री दी कि दिस काइंड ऑफ रिजल्ट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट क्वार्टर, सिर्फ एक लाइन, वो सीधा 8% नीचे। JLR उस समय लिया ही था रतन टाटा जी ने, तो उस समय वो लिया, वो नीचे सारा सब कुछ नीचे, एंड मैंने बोला चलो ठीक है अब यहाँ पे नीचे गया शॉर्ट कर देता हूँ। शॉर्ट का मतलब सिंपल हो गया ना, कि जिन लोगों को व्यूअर्स को नहीं पता है उनके लिए स्पेसिफिकली, कि जब आपके पास कुछ चीज नहीं है आप उसको बेच रहे हो, नीचे जाके खरीद लोगे तो वो डिफरेंस आप प्रॉफिट का कमा लोगे। फ्रॉम नोवेयर मूडीज जो रेटिंग्स देती है क्रेडिट रेटिंग, मूडीज का कहीं से भी एक अपडेट आ गया कि वी आर लुकिंग कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, वहां से सर मार्केट रिकवर हो गया। एंड यू वोंट बिलीव, उस दिन मेरा टोटल कैपिटल था, वो मैं बता देता हूँ, उस समय कैपिटल था 2,50,000 रुपए, एक दिन में 210,000 रुपए इरोड हुआ मेरा, 210,000, 40,000 बचा था। आई वॉज इन टीयर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज इन टीयर्स। अब मेरे को ये डर था रात को पापा आएंगे तो पापा से मेरे को नजर कैसे मिलानी है, क्या बात करनी, क्योंकि उस समय मोबाइल फोन वो रिलायंस के वो डब्बे आते थे, तो रिलायंस और मोटरोला वाले डब्बे थे, तो उस पे मैसेज जा रहे थे पापा को, तो पापा ने मेरे को रात को आके पूछा ये क्या हुआ है, तो मेरे पापा को अब मेरे आंसू निकल रहे हैं, मैं क्या करूं क्या बोलूं मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैंने पापा को बोला पापा ऐसा हो गया मेरे साथ, मैंने ऐसा ऐसा किया था, तो बोले उन्होंने पूछा तेरा पेपर कब है, मैंने एक हफ्ते बाद पेपर है, तो बोले कोई बात नहीं तू सीए अगर बन गया ना तो तू इससे ज्यादा पैसे कमा लेगा, तू चिंता मत कर। और सर ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, आई वेंट इन दी वॉशरूम, क्योंकि लड़के लोग एकदम सबके सामने अपना इमोशन नहीं दिखा पाते, आई क्राइड and I cried I think more than 15 to 20 minutes there, and then from nowhere I got the energy, and in that attempt only I cleared my CA final. Wow. With flourishing marks, All India high tha meko us samay, information system control audit 86 marks the at that time. So this was the experience of my market crash in 2008, and then 2020 when it came meko farak hi nahi pada, wo mera capital usme bhi 20% hua, tab mera capital 60% kam gira, ha, aur uske baad wahan par gira, maine kaha chalo koi baat nahi, chinta ki baat nahi, and then I actually started something कि मैंने सबका पैसा उसमें invest करवाया, now they are making good money, and plus मैं believe करता हूँ कि अभी जितना 2020 से 2025 के बीच में किसी ने अभी तक bear run देखा ही नहीं है, सबने bull run ही देखा है, इनको जो लोग अभी ऐसा लग रहे हैं कि हम market के experts हैं, अरे bear run आने दो, आएगा ना सर, वो तो cyclical है, right? So this is what I felt, and अगर market crash यहाँ से आता है, तो I believe कि we shouldn't panic that way. True. If there are two things, if you are not overly invested, or secondly जो आपका था कि रात को नींद अच्छी आनी चाहिए चार्ली मंगर जी के हिसाब से, क्या है ना मुद्दा ये है कि आप मार्केट को अपना घर बना रहे हो या आप अपना सेकेंड होम फार्म हाउस बना रहे हो, तो इट्स अ फार्म हाउस फॉर यू, इट डजंट रियली हर्ट्स यू टू मच बिकॉज यू नो इट्स एन एड ऑन, बट अगर आप उसको घर बना रहे हो, अपना प्रोफेशन है आपका वो जिसमें आप प्योरली इन्वेस्टेड हो, तो देन डेफिनेटली यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क, डेफिनेटली गेन्स भी बहुत बड़े हैं, बट देन वो रिस्क आपको बियर करना आपका धंधा ही वैसा है। बट ये आपकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आई मीन दैट्स लॉट ऑफ लर्निंग कि यू नो वो साइकिल, आई मीन हाउ इट फील्स, आप एकदम से नीचे जाते हो बिकॉज वो रियलिटी है, आपका पैसा जो कमाया है वो गया वन शॉट, और आपको मौका भी नहीं मिलेगा, साफ आप कुछ नहीं बेच पाओगे। सर व्हेनेवर आई हैव दैट थिंग दैट डे इन माय माइंड, इतना मिक्स फीलिंग होता है ना मेरा उस दिन का दिन, इतना मिक्स फीलिंग वाला दिन निकलता है उस दिन मेरे को, एक दिन तो ऐसा लगा कि यार खत्म हो गया सब कुछ, इतना प्रेशर था रात तक जब तक पापा आए, उसके बाद जब पापा ने प्रेशर रिलीव किया मेरे को समझ ही नहीं आया मैं रिएक्ट क्या करूं, बट इट वाज वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डे। सर एज पर यू सीएस का आज आईपीओ में क्या रोल है?
बिकॉज आईपीओ आजकल भरपूर आ रहे हैं, राइट, एवरी सेकेंड कंपनी इज लुकिंग फॉर एन आईपीओ, राइट, सो व्हाट डू यू फील लाइक इज सीए रिस्पॉन्सिबल फॉर आईपीओस और दीज आर डिफरेंट प्रोफेशनल्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आईपीओस? आई मीन हम तो यार वी आर एनेबलर्स, आई मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है, आपकी इच्छा है तो वी विल नॉट स्टॉप यू, इनफैक्ट वी विल एडवाइज यू. वो आपका नोशन है, आप आईपीओ लेके आ रहे हो, आपको कंपनी को बड़ा बनाना है, आपके पास हक है पूरा बड़ा बनाने का. सर बीच में कुछ कंपनीज आई जिनका आईपीओ लॉन्च हुआ, जिनका आईपीओ अच्छा खासा अमाउंट करीब 300-400 करोड़ का आईपीओ लेके आए और उसमें यामाहा के शोरूम्स थे, एक या दो यामाहा के शोरूम्स थे उनके, एंड देन दे हैड आईपीओस. करेक्ट, देखा मैंने आपकी रील्स भी देखी थी, उसपे दो तीन डिस्ट्रीब्यूटरशिप डीलरशिप थी, उसके बेसिस पे उन्होंने करोड़ों रेस कर लिए. सो एंड किसी ने उसके ऊपर काफी ट्विटर पे काफी उसके ऊपर डेटा आया हुआ है कि देयर वर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु वर गाइडिंग देम फॉर दिस. आई मीन क्योंकि क्या सर, नॉन सीए गाइड करता तो वो न्यूज नहीं बनती है. अब एक सीए ने छोटा सा ही बोल दिया होगा आईपीओ ले ले, तो वो न्यूज बन गई कि भाई सीए गाइड करके ऐसा करा रहे हैं. आई मीन केवियट एम्प्टर, बायर्स बीवेयर, ये सिंपल सा रूल है. तो जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी बेसिक चीज देखना है, भाई आई एम जस्ट एन एनेबलर. आप बोल रहे हो इफ आई एम forging your documents and showing the wrong thing, that's a different thing. But I'm showing everything, uske bawajood bhi log bol rahe hain yaar jo IPO aa raha hai paise lagao. I mean, CA is not to blame for that. Yeah, that's true. Because even I believe ki agar aap kahin pe bhi invest kar rahe ho, if you are taking tips, to fir aap actually aap share pe paisa nahi laga rahe ho, aap ghode pe paisa laga rahe ho. Theek hai? If you are actually if you really want to invest, you should actually research on your own. Right. And even I believe that, you know, financial independence is very important. If you are not financial independent, आप अपने decisions नहीं ले पा रहे हो और specifically हाँ ले रहे हो किसी और के basis पर रहके, तो आज नहीं कल तो मतलब गाड़ी ठुकना confirm है. But sir, nowadays SME IPOs के ऊपर भी बहुत ज्यादा रुझान चल रहा है लोगों का. Like people are investing in SME IPOs, जो मेरे को लगता है जब तक मैं student था, इनफैक्ट लास्ट 5 साल पहले के पहले बात पर हूँ, 2020 के पहले, तब तो मैंने भी इतना नहीं सुना था. राइट नाउ देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हु कम टू मी एंड दे आस्क मी सर ये एसएमई आईपीओ में पैसा लगाते क्या? सर क्या होता है, मैंने एक चीज देखी, आई विल शेयर यू पर्सनल एक्सपीरियंस. एसएमई आईपीओ में क्या होता है, अगर आप लेट्स से एचएनआई, आप बड़ा पैसा लगा सकते हो, अपन पहले वहां से बात करते हैं, तो प्रो रेटा अलॉटमेंट होता है. अभी होते समझो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एसएमई आईपीओ देखा, उसका क्लोजिंग से एक दिन पहले मैंने देखा कि वो 100 times सब्सक्राइब हो गया है, उसका 1 lot 3 lakh रुपए का है. तो मुझे मालूम है कि अगर 100 times सब्सक्राइब हुआ है, 110-120 times हो जाएगा, तो मैंने 125 एप्लीकेशन लगा दी. इसके लिए मेरे पास कैपिटल होना चाहिए 3-4 crore की, एफडी के अगेंस्ट लग जाती है, इस बार में मेरे को पैसे देना नहीं पड़ते. मैंने 4 crore की एप्लीकेशन लगा दी. मुझे एक चीज तो समझ में आती है, डिमांड सप्लाई. कोई चीज 100 times अगर सब्सक्राइब हुई है तो खुलेगी नीचे तो नहीं, खुलना तो ऊपर है. तो मैंने क्या किया, मैंने ले लिया उसका 1 lot. मुझे डेफिनेटली, इनफैक्ट अप्लाई कर दिया मैंने 125 लॉट, मुझे डेफिनेटली प्रोरेटा में मिनिमम 1 lot मिलेगा अगर उसका सब्सक्रिप्शन 125 टाइम से कम हुआ है. वो खुलना ऊपर ही है, मैं हाथों हाथ बेच दूंगा और बाहर हो जाऊंगा. मुझे क्या हुआ, मेरे बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है जिसका एफडी का ब्याज मुझे मिल रहा है, मैंने उसके अगेंस्ट में यहाँ पे एप्लीकेशन लगा के एक ऑलमोस्ट श्योर शॉट गेन कर लिया. तो दिस इज द रीजन वाई एसएमई में देयर इज सो मच ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, बिकॉज उनका साइज इतना बड़ा नहीं है कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स उसके मार्केट को मैनिपुलेट कर पा रहे. बेसिकली उसको देख के रिटेल इन्वेस्टर भी पैसा उसमें लगा रहा है, और मेरे हिसाब से मेजोरिटी ये लोग जो गेन ले रहे हैं वो कौन सा गेन ले रहे हैं, लिस्टिंग गेन लेके बाहर हो रहे हैं. तो उस सेंस में अभी जैसा मार्केट चल रहा है बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लगाना चाहिए, पैसा बनाना चाहिए. यू फील दैट इट हैज फ्यूचर? I mean, some companies have, others don't. लोगों का इसमें भी एक आगे ना पीछे जाके नुकसान होने के 101%. I mean, आप देख ही नहीं रहे हो कंपनी की नीड क्या है, पैसा रेस क्यों कर रहे हैं. वो फोमो है, जैसा आपने बोला इन्वेस्टर का, वैसे ही फोमो है बिजनेसमैन का कि everybody is going for SME IPO, why am not. बहुत सारे कंसल्टेंट है बोलते हैं अरे आपकी कंपनी में तो SME IPO आ जाएगा, आपकी तो एलिजिबिलिटी, अपने को लगता है वहां पर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, बट दे आर मेकिंग देयर ओन मनी एंड बिजनेस. सो आई मीन ट्रेंड है, एक वो चलता है, लहर चल रही है, अभी वो चल रही है. So when you invest, do you also have that fundamental and technical analysis both you do? I mean, technically वैसा तो नहीं कि yeah, but I see a few things. जैसे PE ratio है, for example, you will always see that, right? आप बड़ा पैसा लगा रहे हो, आप देखोगे, आपको लग रहा है इंडस्ट्री में PE 20-25 चल रहा है और वो 40-50 पे ट्रेड हो रहा है, you may not invest unless and until it's a very new company, Zomato या ऐसे टाइप की, जिसको आपको लगता है यार ये बहुत प्रॉमिसिंग हो सकती है, आगे कुछ बड़ा कर सकती है. तो कुछ बेसिक चीजें आप चार्ट्स देखते हो कि कहाँ जा रहा है, as in, you know, last 6 months 3 years के क्या रिटर्न है. तो आई जस्ट सी दीज 3-4 things, that's about it. So सर एक्चुअली जब आप सीए बने थे 2003 एंड यू जॉइंड ITC, right? So आप इन्वेस्ट भी कर रहे थे भरपूर, तो आपके टाइम पर क्या सीए कोर्स में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सिखाया जाता था?
क्योंकि हमारे टाइम पे तो नहीं था। तो फिर मेरे से लोग पूछते हैं कि फिर तुम कैसे कर लेते हो, तो मेरे को तो इंटरेस्ट था क्योंकि मेरे 2008 में जो नुकसान हुआ था उसके बाद तो मेरे को और एकदम स्पार्क बन गया था कि नाउ आई विल इन्वेस्ट राइट। तो एफएड फ्यूचर्स तो मेरा उधर ही खत्म हो गया, तो ऑप्शंस मैंने कभी ट्रेड ही नहीं किया। तो मेरा एक तो ऐसा लगता है मेरे को, अब मेरे को ऐसा फील होता है कि तब मैं बहुत सस्ते में खत्म हो गया, सस्ते में सीख गया, जैसे आपके फादर ने आपको कहा कि बहुत सस्ते में बाहर आ गया। सो मेरे को ऐसा लगता है कि वो सीख, आप सीख के लिए आपको फीस देनी है मार्केट को, वो मैंने दे दी थी। वो इनफैक्ट थैंकफुली मेरा पैसा नहीं था, फैमिली का था। सो व्हाट डू यू बिलीव, लाइक इसीलिए रिस्क टेकिंग बढ़ जाती है। हाँ, फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि अपना जब पैसा कमाने लग गया ना, तो मेरे को उसके बाद लगा कि यार इसमें मैं रिस्क में थोड़ी लगाऊंगा अपना पैसा, फैमिली का फिर भी लगा दिया मैंने। बट ये एक्चुअली बहुत लोगों का थिंकिंग होता है, बीइंग अ चाइल्डिश थिंकिंग एक्चुअली। से तो आपके हिसाब से मतलब हम लोग को भी फंडामेंटल टेक्निकल, मैंने तो सीखा, कुछ सीखा, समझा, फिर उसके ऊपर रिसर्च करी, बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू लव रिसर्च एंड ऑल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाता ही था, सीए और सीएस में, कंपनी सेक्रेटरीज में, तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट था। आपके टाइम पे फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस सिखाते थे? आई मीन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हुआ करता था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, वो कोर्स हम आई थिंक वो हमेशा से रहा है। बट सीए के कोर्स, आई थिंक स्टॉक मार्केट कैसे ना, सबसे बढ़िया सीखना है तो एक बार पैसे उड़ा दो, एक बार पैसे लग जाते हैं, ये बढ़िया है। बोले अगर तुमको स्टॉक मार्केट सीखना है, एक बार पैसा लगाओ, उड़ाओ, फिर तुम समझ पाओगे कब अगली बार कैसा नहीं उड़ाना है। दैट इज ऑल्सो गुड। तो सर, इफ समवन वॉन्ट्स टू परस्यू करियर इन स्टॉक मार्केट, तो वॉट कोर्स इज सजेस्टेबल टू देम? ईदर दे कैन गो फॉर सीए, एमबीए, नाउडेज सीएफए इज इन ट्रेंड, right, and fourth company secretary, right. I mean, ये अलग है कि आप क्या करना चाहते हो। Let's say you want to get into iBanking, तो CA और MBA से आप iBanking में जा सकते हो। MBA first preferred choice होती है, CA may not be the first preferred choice, but थोड़े jobs होते हैं CA के लिए भी। आप as a job iBanking नहीं करना चाहते, आप personally invest करना चाहते हो, then definitely you know CA may not be the best of the course, except कि वो आपको एक conservative approach सिखा देगा कि you know कहाँ आप गलतियाँ कर सकते हो, कैसे आप अपने नुकसान को बचा सकते हो। But it will not really help you to take the right decisions ki this is the stock where I should invest. Kyun? Kyunki wo decision mere hisab se kab aata hai, when you are studying in a case study based environment, jahan pe aap experiences dekh rahe ho, usko study kar rahe ho, decision le rahe ho, which is more so the teaching technique in MBAs. Whole soul usme jana hai, to maybe MBA, CFA is tarah ke courses zyada help karenge. iBanking aap kar rahe the, uska matlab? So investment banking is basically you want money and there's somebody who wants to invest and I become the broker and I get the money to you. Okay. Ab iBanking is the most aspired career. Okay. Whether you talk about even in the B schools or you talk about in the chartered accountant syllabus. तो क्या होता है, बिकॉज आप किसी को पैसा दिला रहे हो तो ही इज वेरी हैप्पीली रेडी टू शेयर अ चंक विद यू, राइट? सो यू गेटिंग 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट, तो वो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ फीस देने में माइंड नहीं करेगा, बिकॉज यू आर गेटिंग हिम दोस वैल्यूएशंस। इन्वेस्टर बहुत सारे आज की तारीख में भी ऐसा है, पैसा लगाने वाले लोगों की कमी नहीं है, अच्छे बिजनेसेस चाहिए उनको। तो ये क्या होता है, ये अपने आप में एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप हमेशा बीच में ब्रोकरेज कमा रहे हो, सो यू ऑलवेज मेक मनी ऑन इट। सो दैट इज द मोस्ट एस्पायर्ड। IIT से बंदा करके इंजीनियरिंग भी MBA करता है, क्यों करता है, क्योंकि अल्टीमेट वो इस तरह के फाइनेंस के जॉब्स में जा सके। सो आई बैंकिंग अगर आपको करनी है तो देन इन दैट केस MBA इज द मोस्ट प्रेफर्ड वन, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट आल्सो डू गेट एन अपॉर्चुनिटी। सो आपके लिए प्रेशर था व्हेन यू वर डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वाज इट प्रेशर? आई मीन मुझे याद है दूसरी पेपर में तो मैंने घर आया खाना खाने के लिए मुंह खुला खुला ही रह गया, इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट और ड्रेन्ड आउट थे। तो एकदम से समझ नहीं आया क्या हो गया, क्योंकि हमारे उस समय पर पेपर रोज होते थे, आजकल एक एक दिन की छुट्टियां होती है। तो वैसा नहीं होता था, 21 आवर्स लेटर यू हैव अ पेपर, 3 घंटे का पेपर, 21 घंटे बाद अगला पेपर। सो इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल, आप पढ़ रहे हो 4 महीने से लगातार कर रहे हो, तो स्ट्रेस तो था, बहुत सारा होता था। मेरे को भी ऐसा हो गया, मतलब क्या हो गया यार, ऐसा तो नहीं कोई पैरालिटिक अटैक आ गया है, फिर कुछ नहीं, इतना आई मीन मैंने मुंह खोला, आई वाज नॉट एबल टू क्लोज इट, ऐसा रह गया। घर वालों ने डॉक्टर को फोन लगाया, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, थोड़ा ग्लूकोज चटा हो, सही हो जाएगा। अच्छा, हो गया देसी इलाज। नहीं बट एक्चुअली कंसिडरिंग प्रेशर, सो व्हेन आई वाज स्टडिंग, तो मेरे को बहुत लोग बोलते थे कि 10 घंटा मिनिमम पढ़ना पड़ेगा, उसमें से आप भी एक थे जिन्होंने कहा कि तेरे को 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे मैंने आपसे भी पढ़ा था, तो मेरे को 10 घंटा कभी लगा ही नहीं। सो आई वाज ऑलवेज स्टडिंग विद माय फ्रेंड्स, सो ग्रुप स्टडी करता था मैं, तो जो मेरे साथ फ्रेंड्स थे, देवर सो हेल्पिंग, मतलब हर चीज में जो भी करना है तू बता क्या करना है, पूछते थे एक दूसरे से। सो आई हैड अ वेरी गुड जर्नी, बट आई वाज वेरी नॉट स्टूडियस बट वेरी हार्ड वर्किंग, व्हिच आई बिलीव। बट प्रेशर वाली सिचुएशन से सर जब बात आती है, तो एक EY का भी केस हुआ है, EY में CA हैना का जो केस हुआ है, एंड द केस इज वेरी वेरी सैड। मतलब वो जो
इंसिडेंट है, इट्स वेरी सैड, वेरी अनफॉर्चुनेट, आई नो. सो व्हाट डू यू फील लाइक, जैसे ईवाई में सुसाइड हुआ, वो सैड राइड था, आपको क्या लगता है इतना प्रेशर होता है कि यू गो फॉर कमिटिंग सुसाइड? I mean, see, what happened with her is something which, you know, only she knows about it. But ये बात है, big fours, not all of them, but few of them are particularly known for this kind of a work environment which is not very cohesive. तो I mean, यहाँ पर ऐसा है कि इनके retention ratios बहुत कम है. 30-40% इनका turnover ratio है chartered accountant level पे. People join, they leave, join, leave, join, leave. I mean, it's like madness. वहाँ पे काम करने के तरीके ऐसे हैं, मतलब there were so many cases. और ऐसा नहीं है अभी का, पिछले 10-15 सालों से आप सुनते हो दो stories like, you know, 100 degree, 102, 103 degree fever है, बोल रहे हैं नहीं आ सकते, बोले नहीं deadline है, 3 दिन बाद close करना आना ही पड़ेगा. So you know, you have those kind of bosses. And ऐसा नहीं है, आपने देखा है, you know, you have these kind of bosses everywhere who basically feel that, you know, creating a pressure is must for getting outcome. पर अब आपको जब वो लिमिट समझ में नहीं आती, and you always keep creating pressure, 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 pressure and pressure, and you never reward, you never let that relax, you never take ownership of things, but you always push it down. तो वो स्ट्रेस किसी भी लेवल तक कहीं पर भी जा सकता है. आई मीन दैट्स एन आई ओपनर, बिकॉज सीए जैसे बंदे को ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा है, हैज टू बी समथिंग बिग, बिकॉज यू नो वी आर बाउंड टू एक्सेप्ट हैंडल प्रेशर वेरी वेल. तो मैं तो क्लास में कई बार बोलता हूँ कि यार सीए में अगर किसी ने आर्टिकल चिप कर लिए 3 साल शिद्दत से, तो हार्ट अटैक से तो नहीं मर सकता. oh, wow. क्योंकि उसका इतनी जिल्लत झेल ली है बेचारे ने. आई अंडरस्टैंड दैट. या बट आई मीन यू नो दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड सैड, बट देर इज अ प्रॉब्लम इन सडन सेट ऑफ कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन इन देयर वर्क कल्चर, देयर इज नो डाउट अबाउट. डू यू फील दैट देयर शुड बी अ लॉ फॉर दिस एटलीस्ट वर्किंग आवर्स के लिए? बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज ने तो इनफैक्ट फ्राइडे सैटरडे संडे भी ऑफ कर दिया है. भारत में शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट कहता है कि 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते हो. ये फैक्ट्रीज एक्ट में भी कहा गया है, फैक्ट्रीज एक्ट इसे इन्फोर्स करता है. बट शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो स्टेट स्पेसिफिक लॉ हो जाता है उसे इन्फोर्स नहीं करता है. तो टेक्निकली क्या इसके ऊपर लॉ होना चाहिए? तो क्या मैं 8 घंटे में प्रेशर नहीं बना सकता, हैरेस नहीं कर सकता? तो वो भी पॉसिबल है. सो आई थिंक मुझे जो लगता है इसका सिंपल सा तरीका ये है कि इट शुड ऑल बिकम वेरी ट्रांसपेरेंट. किस कंपनी में, किस बॉस में, कहां पर, कैसा क्या कल्चर है, ये सबको पता होना चाहिए. लेट द ऑडियंस, दैट मीन्स द पीपल हु आर द टैलेंट इटसेल्फ, रिजेक्ट दीस काइंड ऑफ कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड टीम कि भैया नहीं आएंगे हम तेरे पास, तू कुछ भी कर ले, कितना भी पैसा दे दे, मैं तेरे यहाँ काम नहीं करने वाला. क्योंकि सब जगह तेरे रिव्यूज दिख रहा है कि आई बाय अ प्रोडक्ट सीइंग द रिव्यूज, नो आई विल टेक अ जॉब आफ्टर सीइंग योर रिव्यू. सो ग्लासडोर और ऐसी ऐप है, बट दिस कुड बी वन वे आउट. तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वो आएगा, नहीं आई नीड टू क्रिएट दैट कल्चर. आई मीन आईटी में दे हैव क्रिएटेड अ डिफरेंट सिनेरियो, राइट? नारायण मूर्ति, हैट्स ऑफ टू दैट, क्या कल्चर बनाया, ऐसा नहीं होता था पहले, बट दे क्रिएटेड दैट कल्चर फॉर दोस. और देखो आप सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री कितनी ग्रो करी है. सो वी नीड टू क्रिएट, वी नीड टू वैल्यू ह्यूमन रिसोर्स देयर. बट मतलब सीइंग दैट इंसिडेंट इज एक्चुअली वेरी हार्ट ब्रेकिंग. प्लस मेरे को ऐसा लगता है कि अगर प्रेशर अगर इस लेवल तक आने का है तो देन यू जस्ट बी आउट ऑफ इट. बट एक्चुअली सर, मैंने बहुत लोगों से पूछा है, जैसे आपने कहा ना कि तुम मत जाओ ना उधर, कितने भी पैसा दे रहे मत जाओ उसके पास, क्या दिक्कत है? बट दे हैव द एचआर्स और यू नो द सीनियर पार्टनर्स, व्हाट दे से, तू ये कंपनी छोड़ तो सही, मैं तेरे को किसी भी कंपनी में और जाने ही नहीं दूंगा, तू देख कहां तेरे को काम मिल रहा है. नाउ इवन दैट इज वेरी थ्रेटनिंग. नाउ दैट गर्ल वॉज एक्चुअली अ फ्रेशर, सीए फ्रेशर, उसको 3-4 महीने ही हुआ था, मतलब आई थिंक 24 मार्च में शी गॉट द रिजल्ट ऑफ पासिंग, मतलब लास्ट ईयर का पास आउट है. उसके बाद अगर कोई आपको ऐसा बोल दे तेरा तो मैं जीवन बर्बाद कर दूंगा, तू तो तू लेके बता दे किसी बिग फोर में, देन हाउ दे शुड हैंडल दिस प्रेशर? नाउ फॉर दैट दे हैव टू गेट एजुकेटेड फॉर दैट, राइट? एक्चुअली इसमें आई थिंक देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट. नंबर वन, से फॉर एग्जांपल, यू नो व्हाट हैपेंस इज द प्रॉब्लम इज, जैसे आपने बोला कि यार छोड़ देना था, नहीं हो रहा है तो क्या दिक्कत थी, व्हाई डिड यू कंटिन्यू? नॉर्मली हम लोग ऐसे ट्रेंड होते हैं, एंड पर्टिकुलरली इंडियंस में हमारी फैमिली में सब जगह ऐसी एक हमारी एक अपब्रिंगिंग ऐसी होती है दैट वी डोंट कॉल क्विट वेरी इजीली, बिकॉज मैं इतना मैच्योर्ड नहीं हूँ कि मुझे पता है कि मेरी में क्या क्षमताएं हैं. आई एम गोइंग टू प्रूव माई सेल्फ टाइम एंड अगेन कि मैंने देखो ये अचीव किया, दैट मीन्स आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस. तो क्या होता है, कॉलिंग क्विट, आई सी माई सेल्फ एज अ लूजर इन माई ओन आईज. And that's why I stick around. And I don't know, I'm not having that kind of an experience when to call quit. And then suddenly something like this. The second aspect is the way you can come out of it. Dadagiri karne wale log karenge, aap kahan kahan roko. Aaj main raaste mein chal raha hoon, samne se koi aadmi aata hai, mujhe gaali de deta hai bahut sari.
सो ही अब्यूजेस मी लाइक एनीथिंग. What can I do? I mean, मैं उसकी कंप्लेन नहीं कर सकता, कोई पुलिस में कोई उसकी कंप्लेन नहीं होगी, राइट? मैं क्या कर सकता हूँ? वो मुझे बोल रहा है, बोले यार तू यहाँ पर चल रहा है, ये मेरी सड़क है, मैं यहाँ पर ऐसे गवारों को चलने नहीं देता. मैं बोलूंगा भाई ठीक है, मैं चलने देता हूँ गवारों को, चलो आप. आई मीन आई कैन ओनली जस्ट बी मेंटली स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे फ्रेंड सर्कल और आपका यार दोस्त फैमिली बहुत मैटर करती है. मैटर्स. आपने बोला मेरे दोस्त थे, मैं मजे में सीए पढ़ता था, प्रेशर इसलिए रिलीज हो गया, तो वो फ्रेंड्स बहुत बड़ा रीजन था उसका. कि बिल्ड होता था, आप साथ में रहते थे, तो आपको फील नहीं होता था कि आप साथ में थे. तो आपको हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए, साइलोज में नहीं रहना चाहिए. कीप टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, हैव अ सेट ऑफ फ्रेंड्स, नेवर बी कुकून इन टू अ शेल, सिर्फ काम काम काम, ऑलवेज स्टे कनेक्टेड. काम भी खूब करो, इस एज में नहीं करोगे तो कब करोगे? But then you know you should also kind of detox yourself. That's what I feel. So because of pressure, do you feel the number of students are decreased, registrations come more? I mean, definitely it is perceived as a tough course. Not everybody wants to do it. Yeah. सर एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत लोगों ने पूछा, एंड दीज आर एक्चुअली माय फ्रेंड्स ओनली हु एक्चुअली बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो उनका एक क्वेश्चन था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद ना हर कोई ये समझता है कि ये सर्व संपन्न ज्ञानी आदमी है, इसको सब आता है. झंडू बाम एक काम एक बाम सारे काम. परफेक्ट आपने वर्ड बोला. तो वी आर एक्चुअली झंडू बाम सारे. सर एक क्वेश्चन मेरा था, जैसे अपन सीए अभी प्रेशर एंड सब की बात कर रहे हैं, जस्ट इन केस अगर कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पा रहा है, ओके, हाउ दैट पर्सन्स माइंडसेट शुड बी देयर, उसको दिमाग में क्या लेके चलना चाहिए आगे? क्योंकि ये प्रेशर तो वहां पे भी आता है, इसके ऊपर आजकल सीरीज भी बन चुकी है वैसे. तो ऐसे में क्या करना चाहिए सामने वाले को? आई मीन बहुत वैलिड है बात आपकी, क्योंकि कहता है निखिल कि यू नो इट इज अ माइंडसेट कि यार मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया, सीए करने के बाद भी करने का फायदा है या नहीं है, मुझे वैसी जॉब्स मिलेगी नहीं मिलेगी, करियर वैसा बनेगा या नहीं बनेगा, विल आई हैव टू कीप स्ट्रगलिंग. जबकि ऐसा नहीं है. ये जरूर है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं उनको इनिशियली इमीडिएटली क्या होता है, दे गेट अ स्प्रिंग बोर्ड, स्टार्टिंग करियर ही बहुत अच्छा हो जाता है. बट आप बेसिक फंडामेंटल क्या है, आपने सीए कर लिया है तो लोगों को ये बताया कि आपने अच्छे से किया. बट आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां करी है. तो आई विल प्रिज्यूम बींग एन एम्प्लॉयर कि यार आप मेरी कंपनी में आने के बाद भी वो गलतियां करोगे. But I'll still give chance to people if my policy allows. And when I give this chance, then I realize कि नहीं यार ये बंदा भले ही ये फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है पास, पर ये गलतियां नहीं करता है, अच्छा काम करता है, इसका पोटेंशियल है, वो ग्रो कर जाता है. But the probability of good work being done consistently will be more by the ones who are cleared in the first attempt and less by the ones who have cleared in the multiple attempts. फॉर द सिंपल रीजन की फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया है तो इसका मतलब क्या है कि आप जो कर रहे थे आपने अच्छे से किया, इसलिए क्लियर हो गए. कुछ लक के कारण फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाए, उनको करियर आगे मौका देता है. और वो कहीं ना कहीं वापस से शाइन करते हैं, दो तीन साल उन्हें लगता है अपने आप को प्रूव करने में, एंड देन दे अगेन जंप अप. लाइक महेंद्र सिंह धोनी देखा जाए तो वही होगा. बट मेरे को ऐसा लगता है जो लोगों का एक दो अटेम्प्ट ज्यादा लगे, तो मतलब अगर लगे ज्यादा अटेम्प्ट, तो आई डोंट थिंक सो दैट दे शुड बी ट्रैश्ड इन देयर माइंडसेट. Absolutely not. Absolutely not. आपके पास डिग्री है ना, डिग्री का ही इतना सॉलिड पावर है कि आप जितनी आपने गलती कर रखी है, पाप कर रखे हैं, सब धो देगी है डिग्री इन इटसेल्फ. सो इन एनी वे देयर शुडंट बी प्रेशर. मेरे को ऐसा लगता है कि ना ड्यूरिंग स्टडीज होना चाहिए. हाँ, बट अगर एक लेवल तक, मेरे को ऐसा लगता है सर अगर किसी की एज 25-26 हो गई है, राइट, टिल दैट आल्सो दैट पर्सन शुड कंटिन्यू सीए. आई मीन देन इट्स अ कॉल यू शुड टेक वेरी डिसाइसिवली. Only CA definitely I'll not recommend. It should be CA along with. So it could be along with a job. It could be maybe you're pursuing your MBS. Parallelly आप चला लो या कोई भी दूसरा कोर्स आप कर सकते हो या आप अपने बिजनेस में लग सकते हो. बट हाँ, 25-26 की उम्र में भी अगर आप प्योरली CA कंटिन्यू कर रहे हो, आप क्या होगा कि उस सर्कल में जाओगे कि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डिप होने लग जाएगा. I would not suggest. काट पीट के लोड नहीं लेने का और प्रेशर नहीं लेने का और प्लस लाइफ जियो, बिंदास जियो, जो होगा होगा, कोई दिक्कत की बात. प्रेशर लेना चाहिए, मैं बोलता हूँ, मतलब आई एम ऑफ दैट पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस गाय जो बोलता है 99 इज नॉट इनफ. आप जब तक 100% नहीं डालोगे ना, आपको अंदर से फील नहीं आएगा. 100% डालने के बाद भी मैं फेल होता हूँ ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस लॉस नहीं होता है, मुझे बुरा लगता है कुछ समय तक, बट आई कम आउट ऑफ इट वेरी इजिली बिकॉज आई नो कि इट वॉज लक. पर 99 वाले क्या सोचते हैं कि यार मेरे में काबिलियत नहीं है इसलिए मैं फेल हो रहा हूँ. वो बताएंगे नहीं, वो बोलेंगे कि कोर्स की गलती है, पर उनका सेल्फ डाउट आ जाता है. तो आपको 100% देना चाहिए, अंदर से लगना चाहिए मैंने पूरी एफर्ट डाला है, फल की इच्छा मत करें.
सर व्हाट यू फील आपका रिटायरमेंट कब होना चाहिए, मतलब व्हेन यू विल लाइक राइट नाउ यू 2041-42 बट ऑब्वियसली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट वेरी सून, बट राइट नाउ देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर प्लानिंग देयर रिटायरमेंट्स एट द एज ऑफ 40-45, सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? आई मीन रिटायर तो ये क्या करेंगे, घर बैठ के काम करेंगे, दिवाली की सफाई करते रह जाएंगे. तो नाउडेज देयर इज अ न्यू टर्म, व्हाट इज योर फायर? Fire, yeah. What's that? Fire is FIRE. That is financial independence, retire early. Oh, so this is a new term which even I have learned very recently. This is something which I've learned now. So as per you, what are the three tips to have that fire in the life? Fire, yaar, हमारे लिए तो fire अलग होता था, ये अलग fire हो गया. I mean, जल्दी retire करना है, ये आपका aspiration है, आपको कहाँ तक पहुँचना है, हर किसी का अलग अलग होता है. Somebody has an aspiration कि भैया मुझे पैसे कमाना है, मुझे दुनिया देखनी है, मुझे घूमना है, फिरना है, मजे करना है. उसके लिए obvious ही बात है, उसकी किटी में इतना पैसा आ जाए, उसका retirement fund हो जाए, उसके बच्चों की पढ़ाई fund हो जाए, and then safety, medicals और इन सब के लिए मेरे पास एक इतना recurring cash flow generate होने वाला investment ready हो जाए, अब retire. बट अब किसी का किकी इसमें आता है कि यार मुझे लाइफ में क्या करना है, नाम कमाना है. किसी का किकी आता है कि आई वांट टू डू समथिंग व्हिच इज वेरी सब्सटेंशियल व्हिच कैन अफेक्ट अ लॉट ऑफ लाइव्स. उसके लिए ऑब्वियसली उसका फायर कब तक चलते रहेगा, इट विल बी कंपैरेटिवली मच लार्जर. बट यस, इफ यू वांट अबाउट थ्री टिप्स क्या करना चाहिए, नंबर वन डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग. क्यों? क्योंकि एक समय के बाद पैसे से पैसा बनना चाहिए. सिर्फ आप अगर पैसा बना रहे हो तो आप कब तक बनाओगे? तो यस, यू शुड हैव अ स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो प्लान फॉर यू एंड योर फैमिली. नंबर टू, अवॉइड ऑल योर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर जो कोई करने की जरूरत नहीं है. इट्स अ ट्रैप. आप एक करोगे आपको दूसरा लगेगा. आप ऑडी A4 खरीदोगे, फिर आप देखोगे कि अरे यार दो तो A6 में घूम रहे हैं, मेरे पास A4 है. आप अपग्रेड करते जाओगे. दिस इज नॉट लाइफ, इट्स अ ट्रैप. तो यू शुड अवॉइड दैट अनलेस एंड अंटिल योर बिजनेस और यू नो इट डिमांड्स. एंड थर्ड थिंग व्हाट यू शुड डू इज यू शुड स्टे, आई मीन यू नो यू शुड हैव अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन कि यार मुझे काम करना है, इतना करना है, खर्चा करना है, इतना करना है. राइट, तो देयर हैज टू बी अ लिमिट, देयर हैज टू बी अ P&L व्हिच यू शुड क्रिएट. यू शुड जर्नलाइज मेरा इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है, क्या बच रहा है. इफ यू कैन अवॉइड द डेट ट्रैप इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, आई मीन यू नो यू विल डेफिनेटली बी इन दैट स्टेज जिससे आप अपना फायर जल्दी ला पाओगे. That even I agree on that part, right. All the three points. So fire nowadays it is in, and I hope that your retirement doesn't come early, because we want lot of insights from you in upcoming years also, in upcoming podcasts also, if we get a chance. So sir, it was amazing talking to you, and as always it has been. So thank you for being here, and it was amazing. मेरे को बहुत मजा आया ये वाला podcast करने में. In fact, I thoroughly enjoyed, Nikhil. In fact, ये थोड़ा अलग experience था. Normally I am the one who has the placard, who puts the question. आज सास भी कभी बहुत ही, आज student कभी teacher बन गया. Interviewer बन गया, I should say. So very happy, and you know, in fact, proud moment for me to you know come to your show. It's always good feeling, you know, knowing students doing so well, and I mean, we've seen तुम Instagram में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो, and people, I mean, you know what kind of craze people have. So I mean, congratulations for you for that. Thank you, sir. Great. So thank you for being, sir. Thank you. Thank you. Okay.